हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त रामा स्वामी। आज अपने साथ है ऑल न्यू 2024 डेटोना 660। देखो 2024 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि डेटोना को अपडेट किया गया। 2024 मॉडल है ये। ट्रैम ने जस्ट अभी 2024 मॉडल लॉन्च किया है। इसमें कुछ चेंजेस भी किए गए हैं। अभी देखो इसका सिटिंग पोजिशन बहुत अच्छा हो गया, अपराइट कर दिया गया है। तो डे टू डे लाइफ के लिए भी, आप डे टू डे यूज के लिए भी, डेली यूज के लिए भी बहुत कंफर्टेबल तरीके से चला सकते हो। साथ ही साथ आप लॉन्ग राइड्स वगैरह इसमें कर सकते हो। देखो आज का वीडियो सिर्फ फीचर्स के ऊपर होने वाला है। इसके फीचर्स के बारे में आपको जल्दी से बताने वाला हूँ। डिटेल रिव्यू वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है, अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करना, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंजन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कोई ट्राइडेंट वाला इंजन मिलता है, 660 सीसी का लिक्विड कूल इनलाइन थ्री सिलेंडर 12 वॉल्व डीओएससी एफ इंजन मिल जाता है। इंजन डायमेंशन है आपको 74.04 एम का बोर मिलता है, 51.1 एम का आपको स्ट्रोक वगैरह मिलता है। पावर पिकअप इसमें बहुत अच्छा दिया गया है। 95 पीएस का मैक्सिमम पावर मिलता है 11,250 आरपीएम पे, और 69 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है मैक्सिमम 8,250 आरपीएम पे। पावर टॉक डेटोना में आपको कहीं से कम नहीं लगेगा। फीचर्स की बात करते हैं, यहाँ पे आपको सस्पेंशन आपको अपसाइड डाउन फॉर्क मिल जाता है, 100 का अपसाइड डाउन फॉर्क मिलता है। वो लगभग 41 एम का इनर डायमीटर ट्यूब के साथ आपको यूएसटी फॉर्क मिल जाता है। ब्रेकिंग की बात करते हैं, सबसे पहले इस बाइक में आपको ड्यूल चैनल एबीएस मिलता है, और यहाँ फ्रंट में आपको ट्विन डिस्क मिलता है, 310 एम का ट्विन डिस्क मिल जाता है। 4 पिस्टन रैडल कैलिपर यूज होता है, जो कि ब्रेकिंग की एफिशिएंसी अच्छी हो जाती है इसकी वजह से। टायर सेक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे आपको मिचलिन का टायर मिलता है 120/70, R17 का टायर मिलता है, मतलब रेडियल टायर यहाँ आपको यूज होता है। रेडियल की वजह से आपकी ग्रिपिंग वगैरह अच्छी हो जाती है। और रियर की बात करते हैं, रियर में 220 एम का डिस्प्लेक मिल जाता है, डुअल चैनल एबीएस मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको सिंगल पिस्टन कैलिपर यूज होता है। टायर सेक्शन की बात करते हैं, मिचलिन का टायर मिलता है 180/55, R17 रेडियल टायर मिलता है, बहुत सा वाइडर टायर मिलता है, वाइडर के उससे लुक भी अच्छा हो जाता है, और यहाँ पे ग्रिपिंग भी आपकी अच्छी रहती है। बात करते हैं सस्पेंशन की, यहाँ भी आपको सोआ का सस्पेंशन यूज होता है, मतलब फ्रंट और रियर दोनों में आपको सोआ का सस्पेंशन यूज होता है। मोनोसॉक दिया गया है रेड कलर का। बाकी यहाँ पे जो ट्रैवल गैप है, 130 एम का ट्रैवल गैप दिया गया है। 130 एम मतलब बहुत कंफर्टेबल राइड देने वाला है। लॉन्ग टूर अगर अभी आप करते हो ना, तो आपका राइड बहुत कंफर्टेबल रहने वाला है। अगर बात करें इसकी कुछ डायमेंशन की, लाइक यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक 14 लीटर का मिलता है, मस्कुलर सा टैंक मिल जाता है। व्हील बेस बाइक का बहुत अच्छा दिया गया है, 1425 का व्हील बेस मिलता है। तो व्हील बेस इतना अच्छा है कि आप डे टू डे लाइफ यूज कर सकते हो, मतलब सिटी पे भी आप इजीली इसको, इस सुपर बाइक को ले जा सकते हो, कट वगैरह मार सकते हो। कर्व वेट इस बाइक का बहुत हल्का है, 201 kg कर्व वेट है। सीट हाइट भी बहुत अच्छा रखा गया है, 810 mm का सीट हाइट रखा गया। 810 mm मतलब 5.4 भी हो तो भी बहुत कंफर्टेबल तरीके से आप इसको चला लोगे। ओवरऑल विथ यहाँ पे आपको 736 एम का मिल जाता है। बात करते हैं मीटर कंसोल की, सबसे पहले आप मीटर देखो, 50 मीटर कंसोल मिल जाता है। यहाँ पे आपको कलरफुल मीटर मिल जाता है, इसमें आपको ब्लूटूथ भी है। अगर आपने ब्लूटूथ कनेक्ट कर लिया तो यहाँ पे आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन दिखा देगा। टेल टेल लाइट्स आपको यहाँ मिल जाते हैं, 3 राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं। बाकी आपको ये थॉटल देखो, राइट बाय वायर थॉटल मिल जाता है। यहाँ पे आपको ये एडजस्टेबल ब्रेक लेवर मिल जाता है, यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। ये 5 स्टेप में, आई थिंक 5 स्टेप में एडजस्टेबल है। यहाँ पे आपको स्लिपर एंड असिस्ट क्लच दिया गया है, यहाँ से टॉगल वगैरह कर सकते हो। ये आप मोड वगैरह यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। हजार्ड लाइट यहाँ आपको मिल जाता है, इंटीग्रेटेड बटन वगैरह आपको इसमें दिया गया है। फोल्डेबल यहाँ पे आपको मिरर वगैरह मिल जाते हैं। बात करते हैं इसके माइलेज की, माइलेज भी आपको अच्छा मिल जाता है, अराउंड को 20 kmpl का माइलेज मिल जाता है। इस सुपर बाइक में आप माइलेज देखोगे नहीं, फिर भी 20 के आसपास मिलता है। जिनके पास डेटोना 660 है ना, आप मुझे बताना इसमें आपको माइलेज क्या मिलता है। बात करते हैं इसकी प्राइस की, इसका ऑन प्राइस यहाँ पुणे में 12,50,000 के अराउंड आता है। आप किस सिटी से बिलोंग करते हो, अगर आपने अपनी सिटी का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में बताया तो मैं आपकी सिटी का लेटेस्ट प्राइस बता दूंगा। वैसे आप पुणे में इस डेटोना 660 को लेना चाहते हो, या ट्राम का कोई भी बाइक लेना चाहते हो, तो आपको बीयू भंडारी पुणे में विजिट करना है। शोरूम के सारे डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर विद मैप लोकेशन नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे डायरेक्ट फ़ोन पे अपनी बुकिंग ले सकते हैं या शोरूम में विजिट कर सकते हैं। वैसे आपने यहाँ में वीडियो का रेफरेंस दिया या मिरर रेफरेंस दिया, तो यहाँ अच्छे डील्स के आपको मिल जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ये डेटोना 660 अपडेटेड 2024 मॉडल आपको कैसा लगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना।
वीडियो से रिलेटेड फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहता है, आप मुझे कमेंट देखते हैं पूछ सकते हो, या इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, वहाँ भी आप पूछ सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।